प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8, नन्ही चींटी और हाथी। आज हम क्या पढ़ेंगे? नन्ही चींटी और हाथी। तो बच्चों, ये इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने से जो कमजोर होते हैं उनको कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। अगर हमें शक्ति है तो हमें उसकी ताकत का कमजोरों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस कहानी में बताया गया है कि जो चींटियां हैं वो छोटी होती है, लेकिन जो हाथी होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो अपने आप को शक्तिशाली समझता है और चींटियों को अपने पैरों के नीचे कुचल देता था और हर जंगल को तहस नहस करता रहता था। चींटियों ने समझाया परंतु वो नहीं समझा। तो देखिए, चींटी ने क्या किया, चींटी ने उसको सबक सिखाने के लिए जो हाथी था उसकी सूंड में घुस गई और उसको परेशान करने लगी, जिससे क्या हुआ, हाथी बहुत तड़पा। लेकिन जब तक उसने ये नहीं कहा कि मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, चींटी वहां से उसकी सूंड से नहीं हटी। मतलब छोटी सी चीज ने उसको हाथी को सबक सिखाया। तो हाथी ने कहा, हाथी ने उनसे क्षमा मांगी और कहा मैं आपको कभी भी परेशान नहीं करूंगा। तो बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति पर अभिमान नहीं करना चाहिए और अपने से कमजोर लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, न कि हमें अपनी शक्ति का उन पर अपनी शक्ति का उन पर प्रयोग करना चाहिए। तो अब हम कहानी पढ़ेंगे, नन्ही चींटी और हाथी। नन्ही चींटी और हाथी। सुंदर वन में चींटियों की एक टोली रहती थी। यह टोली रोज सुबह भोजन की खोज में निकल पड़ती थी। क्या करती थी, जो भोजन की खोज मतलब तलाश में, ये जो टोली थी ना चींटियों की, ये देखिए चींटियां हैं, ये इसकी, इन चींटियों की क्या है, ये सब टोलियां हैं। जो कहां निकल पड़ती थी, रोज सुबह मतलब सवेरे खाने की तलाश में निकल जाती थी। इस टोली की सरदार चींटी का नाम क्या था, नन्ही। चींटियों के सरदार का नाम क्या था, नन्ही। नन्ही बहुत साहसी थी, मतलब की हिम्मत वाली थी। टोली की सभी चींटियां उसकी आज्ञा मानती थी, मतलब उसका कहना मानती थी। आज्ञा मतलब कहना, सभी चींटियां उसके पीछे चलती थी। वन में एक हाथी भी रहता था। कौन रहता था बच्चों, एक हाथी। हाथी बहुत क्या था, शरारती और अभिमानी, मतलब की वो शरारती भी था साथ में घमंडी भी था। वो दिन भर वन में इधर उधर क्या रहता था, घूमता रहता था। वो दिन भर वन में इधर उधर घूमता रहता था, घूमता रहता था। हाथी अपनी सूंड में कीचड़ वाला पानी भरकर लाता था। हाथी क्या करता था, जो उसकी सूंड थी उसमें वो कीचड़ वाला पानी भरकर लाता था और जानवरों पर डाल देता था। जो जानवर थे उन पर वो डाल देता था। कभी वन में पेड़ पौधों को तोड़ता, क्या करता था वो, कभी वन में पेड़ पौधों को तोड़ता और कभी पक्षियों के घोंसलों को उजाड़ देता। जो हाथी था वो अपनी शक्ति का क्या करता था बच्चों, दुरुपयोग करता था। वो क्या करता था, कभी तो अपनी सूंड में खूब सारा गंदा कीचड़ का पानी भर के ले आता था, कभी पेड़ पौधों को तोड़ देता था और कभी पक्षियों के घोंसलों को भी उजाड़ देता था। वह अपने को सबसे शक्तिशाली मतलब ताकतवर, वह अपने आप को सबसे ताकतवर समझता था कि जो ये सारा जंगल है इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर मैं ही हूँ। और वन के जानवर हाथी से बहुत क्या रहते थे, परेशान रहते थे, क्योंकि हाथी क्या था, हर वक्त उन्हें कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता रहता था। हाथी में एक बुरी आदत और भी थी। हाथी में क्या और बुरी आदत थी कि वो जहाँ कहीं भी चींटियों को देखता, मतलब कि अपने से बहुत ज्यादा छोटी जो चींटियां होती है, आप लोगों ने बच्चों चींटियां देखी होगी कि हमारे घर में छोटी छोटी लाल कलर की या ब्लैक कलर की इस तरह की छोटी छोटी चींटियां होती है, अगर कहीं भी मुच्छा गिर जाता है तो वो फटाफट आ जाती है ना, उनको चींटियां कहते हैं। तो चींटियों को देखता और उन्हें क्या कर देता, कुचल देता और उन्हें कुचल देता। हाथी क्या करता था, चींटियों को देखता था और उन्हें कुचल देता था। एक दिन हाथी चींटियों को कुचल रहा था, मतलब एक दिन हाथी ने क्या किया, जो चींटियां थी उनको कुचल रहा था, चींटियों को कुचल रहा था। हाथी तुम दूसरों को बहुत सताते हो, चींटी ने क्या कहा कि हाथी तुम तो जो दूसरे लोग हैं उनको बहुत सताते हो, मतलब परेशान करते हो, कि हाथी तुम दूसरी चींटियों को बहुत परेशान करते हो, ये बात ठीक नहीं है, ये जो बात है ये अच्छी नहीं है कि तुम जो दूसरे लोग हैं उनको परेशान करते हो, उनको क्या करते हो, सताते हो। हाथी क्रोध में बोला, हाथी को क्या आ गया,
गुस्सा आ गया, हाथी को गुस्सा आ गया। चुप रहो, मैं जो चाहे वही करूंगा। हाथी ने गुस्से में क्या कहा कि चुप रहो, जो मैं जो चाहे करूंगा। हाथी ने कहा कि चुप रहो, मैं जो चाहे वो करूंगा। तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। कि तुम चिंटी, तुम तो बहुत ज्यादा छोटी हो, अगर तुम ऐसे बहस करोगी तो मैं तुम्हें भी कुचल दूंगा। अब नन्ही चुप होकर घास में जा छिपी। जो नन्ही चिंटू की जो सरदार थी वो क्या हो गई, वो चुपचाप अपनी घास में जाकर क्या हो गई, छिप गई। वो चुपचाप घास में जाकर छिप गई। अब देखिए, हाथी शरारते करता हुआ मस्ती में इधर उधर घूम रहा था। हाथी क्या करता, शरारते करता हुआ। नन्ही अवसर की, अवसर मतलब मौके की, तलाश मतलब खोज। जो नन्ही थी वो मौके की तलाश में थी और वह अवसर मतलब मौका पाकर चुपके से हाथी की सूंड में घुस गई। जब उसे मौका मिला तो उसने क्या किया, ये जो हाथी है उसकी नन्ही चिंटी उस हाथी की सूंड में क्या हो गई, हाथी की सूंड में घुस गई और उसे क्या लगी, काटने लगी। बच्चों, जब चिंटी हमारे कपड़ों के अंदर घुस जाती तो हमें काटती है ना, जब तक कि हम उस कपड़े को खोल के झटका नहीं लेते हैं। तो वैसे ही हाथी की सूंड में जो नन्ही चिंटी थी ये घुस गई और फिर हाथी ने क्या किया और उसको काटने लगी। अब हाथी क्या हो गया, परेशान हो गया। वह सूंड को जोर जोर से इधर उधर क्या करने लगा, हिराने लगा। वह जोर से चिंगाड़ा भी, वो जोर से चिल्लाया। हाथी की आवाज को क्या कहते हैं, हाथी क्या क्या की आवाज को क्या बोलते हैं, चिंगाड़ना। तो हाथी जोर से क्या बोला, चिंगाड़ा। लेकिन उसकी परेशानी किसी तरह कम नहीं हुई। हाथी ने अपनी जो सूंड थी उसको इधर उधर भी पटका और जोर जोर से चिंगाड़ता भी रहा, परंतु उसका जो दर्द था वो कम नहीं हुआ। तब नन्ही चिंटी बोली, अब तुम परेशान क्यों हो रहे हो। फिर नन्ही चिंटी जो उसको काट रही थी उसने बोला, क्यों हाथी, अब तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम भी तो दूसरों को परेशान करते रहते हो। कि तुम भी तो दूसरों को परेशान करते हो, आज तो मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तो हाथी बहुत परेशान और दुखी था, क्योंकि हाथी क्या था उस समय बहुत परेशान हो गया था और साथ में दुखी भी हो गया था। वह बोला, मुझे क्षमा कर दो, मतलब मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा, कि मैं अब कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। हाथी का अभिमान चूर चूर हो गया, हाथी का जो अभिमान था, घमंड था, वो क्या हो गया, चूर चूर हो गया। नन्ही चिंटी को हाथी का जो घमंड था, अभिमान था, वो चूर चूर हो गया। नन्ही चिंटी को भी हाथी पर क्या आ गई, दया आ गई। नन्ही चिंटी को भी हाथी पर दया आ गई। वो हाथी की सूंड से बाहर निकल आई और जो नन्ही चिंटी थी वो हाथी की सूंड से बाहर निकल कर आ गई और बोली, हमें कभी किसी को छोटा, और देखो उसने कितनी अच्छी बात बताई कि हमें कभी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार नन्ही चिंटी ने हाथी को सबक सिखा दिया। नन्ही चिंटी ने कहा कि अगर हम ताकतवर है तो क्या हुआ, कभी जो कमजोर इंसान होता है वो भी ताकतवर को सबक सिखा देता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बताइए आप सब। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कमजोरों पर हमें अपनी ताकत को आजमाना नहीं चाहिए बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये जो पाठ है पूरा हुआ। तो और देखिए इसमें जो ये जो हाथी है, ये जो हाथी आप देख रहे हैं बच्चों इस पिक्चर में, कि हाथी कितना ही बलशाली है और जो ये क्या करता था, पूरे वन में इधर उधर तोड़ मरोड़ करता था, ये सबको परेशान करता था। तो जो ये जो छोटी सी जो चिंटी थी वो हाथी की सूंड में गई और क्या हुई, हाथी के सूंड में जाकर हाथी को परेशान करने लगी, जिससे जो हाथी था वो परेशान हो गया और उसने वो बहुत दुखी हो गया। तो जो छोटी चिंटी थी उसको भी दया आ गई कि भैया, अब हाथी को उसने कहा कि अब तुम क्यों परेशान हो रहे, पहले तो तुम भी तो छोटे जनों को परेशान करते थे। तो फिर हाथी को अपनी इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कहा कि हाथी को सबक से, फिर हाथी ने उसे हाथी को कहा कि हमें कभी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। और नन्ही चिंटी ने इस तरह हाथी को सबक सिखाया। तो बच्चों इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है तो पता ही चल गया है। तो आगे से बच्चों आप अपने से जो छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं, कभी उनको नहीं सताएंगे बल्कि हम उनकी
मदद करेंगे। हम नए हम इसके शब्दार्थ और अभ्यास कार्य हम इसके इसके अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर मैं आपको कल कराऊंगी। आप इस पाठ को पढ़िएगा और अच्छी तरह से इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर भी याद होंगे। कल हम मिलेंगे। धन्यवाद।